मिशन 24x7 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। नगर निगम और नगर निकाय के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम डैशबोर्ड की बैठक को लेकर समीक्षा बैठक हुई संपन्न। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सुनी जनता की समस्याएं। कार्यालय पर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। और समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी। 9 अगस्त से शुरू हुआ था सदस्यता अभियान। आज कांट नगर पंचायत में घर घर जाकर लोगों को दिलाई गई समाजवादी पार्टी की सदस्यता। ये तो थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में कुक का काम करने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस लाइन में कुक का काम करने वाले सुरेश कुमार पिछले काफी समय से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कल अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहाँ उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम और नगर निकायों के कार्यों की आज समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिला अधिकारी ने निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षण की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त और समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम और नगर निकायों में सरकारी जमीन को चिन्हित कर अस्थायी गौशालाएं बनाकर और बनी हुई गौशालाओं में क्षमता वृद्धि कर गौवंशों को संरक्षित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन चिन्हांकन एक सप्ताह के अंदर कर लिया जाए। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों पर आवारा घूमते गौवंश दिखे तो कार्रवाई भी की जाएगी। जलालाबाद के बारापत्थर चौराहे पर मोटरसाइकिल पर बैठी एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हद्दब चौकी इलाके की रहने वाली महिला भागवता देवी जलालाबाद क्षेत्र में रिश्तेदारी में गई हुई थी। यहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। रिश्तेदार उसको इलाज के लिए शाहजहांपुर ले जा रहे थे, तभी बारापत्थर चौराहे पर महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ था जो कि 31 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज यादव ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत कांट में लोगों को घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने आज अपने कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि थाना परिसर में जाने वाले सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में आज सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। इस दौरान सीएम डैशबोर्ड में प्रविष्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी ली गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे। यहां कल वो 12 बजे रिलायंस गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहां वो जन प्रतिनिधियों, संगठनों के पदाधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं दोपहर बाद विकास भवन सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं समीक्षा बैठक के बाद करीब 4 बजे रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बंथरा का निरीक्षण भी करने के लिए जाएंगे। वहां पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अच्छन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बंडा थाना क्षेत्र के गदाईसांडा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक चहरी के बाहर नो पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहनों का चालान किया है। इस दौरान यातायात पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वो अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। जलालाबाद थाना क्षेत्र के कहार गांवटिया फरीदपुर गांव के रहने वाले छंगे लाल आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर स्कूल के बच्चों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए बताया कि उनका बेटा संजू कक्षा 7 का छात्र है और वो उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि 24 अगस्त को गांव उमरपुर के रहने वाले बच्चों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की आज एक बैठक शाहजहांपुर में संपन्न हुई। इस दौरान फेडरेशन की ओर से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। यहां नीलकमल विजय को जिला संयोजक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। नीलकमल विजयी को यह जिम्मेदारी फेडरेशन के प्रदेश महासचिव कॉमरेड अमजद शाह ने दी है।